see the Stockholm lights, the Stockholm lights, the Stockholm lights. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी YouTube की फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुबह आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज। आज किचन क्लोजअप में रेसिपी जो शेयर की गई है, बड़े मज़ेदार से हमने बनाए चंदन कबाब। बहुत टेस्ट बोले और बहुत ही ईजी इन्ग्रीडियंट्स हैं, सारे घर में मौजूद हैं। ये जानने के लिए रेसिपी किस तरह से तैयार की गई है आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ किचन क्लोजअप में। वीडियो को देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलें तो हम चंदन कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार किस्म के चंदन कबाब बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 300 ग्राम लिया मैंने मटन का कीमा और 300 ग्राम लिया मैंने चिकन का कीमा। दोनों हमने सेम क्वांटिटी रखनी है। अब हम इसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड करेंगे, तली हुई प्याज डाल देनी है हमने, 2 टेबल स्पून डाल दीजिए भर के, 1 टेबल स्पून बेसन, इसके साथ साथ जाएगा गोश्त गलाने का पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून। मेरे पास ब्रेड का एक स्लाइस नहीं था तो मैंने इसकी जगह ब्रेड क्रम्ब यूज़ कर लिया। आपके पास अगर स्लाइस है तो वो आप एक अदद पूरा स्लाइस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के आपने डाल देना है। आप अपने स्पाइस के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और ये है हमारा धनिया पाउडर 1-2 टीस्पून। सॉल्ट जाएगा इसके अंदर आपके टेस्ट के मुताबिक 1 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। और मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें और अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसका एक पेस्ट सा बना लिया। ये देखिए, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये सारी चीज़ें डाल देने के बाद हमने इन सब चीज़ों को करना होगा अच्छे से मिक्स। आप चंदन कबाब के बैटर को हम रखे हुए कम से कम 2 से 2.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। हमने फ्रिज में रखा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब हम इसके अंदर हरी प्याज का सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट डालेंगे 3-4 टेबल स्पून हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। ज़रूर आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा, कितनी सिंपल और कितनी ईजी है। सारे इन्ग्रीडियंट ईद उल अज़हा पे घर पर ही मौजूद होंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। ऑयल से हमने अपने हैंड्स को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और अब एक अदद हमने ले लेनी है सीख, जो कबाब वाली होती है। फिर ये हम बैटर उठाएंगे, ये देखें इतना बैटर हम उठा लेंगे और इसको हमने ये देखें इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। और जैसे हम सीख कबाब बनाते हैं इसी तरह हमारे चंदन कबाब भी मज़ेदार से तैयार होंगे। ईद में थोड़ी यूनिक सी रेसिपी होगी, ज़रूर आपने ये ट्राई करनी। ये देखें, आप चाहे तो अंगीठी पे भी इसको बारबेक्यू कर सकते हैं। हम बगैर अंगीठी के बना रहे हैं। ये देखें, इसी तरह करके मैं सारे बना लेती हूँ। जी अब हम इसको सीख पे से ज़रा एहतियात से इस तरह करके देखिए न्यू उतार के इसको फ्राई पैन में डाल देंगे। फ्राई पैन में मैंने डाल दिया तेल, ये देखिए कुकिंग ऑयल डाल दिया। कुकिंग ऑयल मैंने डाला 3-4 टेबल स्पून और ये स्लो लो टू मीडियम हीट पे इसको हमने फ्राई करना होगा। Stockholm lights, the Stockholm lights.
चलें जी, अब हम इसको फ्राई करेंगे। कलर इसका हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन इन कबाब का हल्का सा आ गया था, मैंने साइड को टर्न कर लिया था। लो टू मीडियम हीट पे हमने इसको फ्राई करना है। बहुत मज़ेदार से और गले हुए इतने टेस्टी से तैयार होंगे ना हमारे चंदन कबाब। ये देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत प्यारा सा आना शुरू हो गया। ये देखिए, चलें जी अब ये सारे जब फ्राई हो जाएंगे फिर हम आपसे मिलते हैं। I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. देखिए जनाब, चंदन कबाब हमारे मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि इसमें गोश्त गलाने का पाउडर डला हुआ है, तो ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल मुलायम। चलिए जी अब हम इसे डिश आउट करते हैं। कलर देखिए कितना प्यारा है सब तरफ से। अब बस हमने एक काम और करना है, इसमें कोयले की स्मोक देनी है। I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. ये देखिए जनाब, मज़ेदार किस्म के हमारे चंदन कबाब खाने के लिए तैयार हैं। आप चाहे तो इसको पूरी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, इसका मज़ा उबाला हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है बड़ी अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की गई, तो आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप फ्री में वीडियो को इन्जॉय कर सकें। चले आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी प्यारी प्यारी सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।